हमने सुंदर से शौक से बनाए हैं एक नए लुक के साथ तीन और चार साइज के किस तरीके से बनाए हैं इसकी वीडियो शुरू करेंगे आज हमने ये ऊन फोल्ड कर लिए हमने दो फोल्ड की है आप लोग तीन फोल्ड चार फोल्ड इसे कर सकते हैं सत्तर फंदे हमने ये डाल लिए हैं अब इसको हम बारह नंबर की सिलाइयों से बिनेंगे ऊन डबल कर दी है मोटी बना ली है अब बिनेंगे बहुत पतली सिलाइयों से इस तरीके से उल्टा उल्टा इसे बिन लेंगे पूरी सिलाई से बिन लेंगे पूरी लाइन हमने बिन ली है अब ये दूसरी साइड भी हम उल्टा उल्टा ही बीनेंगे दोनों साइड से इधर से भी और इधर से भी यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से उल्टा उल्टा इसी तरीके से ऊपर को इसे बीन लेंगे दस रो हमने ये बीन लिया है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यानी कि बीस सिलाई बहुत टाइट हमारी है पट्टी बिन बढ़ रही है अब ये फंदों को हम बंद कर लेंगे दो फंदे बिनेंगे एक दो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से एक फंदा बंद हो गया दो तीन इसी तरीके से फंदों को बंद करेंगे पंद्रह फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। अब यहां से फंदों को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे पूरे फंदों को बीनेंगे जब तक हमारे यहाँ पर पंद्रह फंदे बचेंगे फिर वहाँ से हम आपको बताएंगे बीच के फंदे हमने ये बिन लिए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह फंदे हमारे यहाँ पर बचे हैं अब ये पंद्रह फंदों को भी हम बंद कर देंगे एक दो तीन इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर देंगे पूरे फंदे हमने ये बंद कर लिए ये धागे को यहाँ से कट कर लेंगे को हम कुरुशिया से इस तरीके से नीचे को उल्टी साइड से इस तरीके से दबा देंगे अब ये बीच के फंदे हमारे बचे हैं अब यहाँ से ऊपर को हम इस कलर से बिनेंगे एक दो धागे को भी इसी तरीके से दबा देंगे और तेरह फंदे हमने ये बीन लिए तेरह फंदे दो फंदे ले लिए दो फंदों का यहाँ पे एक कर एक दो तीन चार पाँच अब पंद्रह फंदे हमने ये बीच में बिन लिए हैं अब यहाँ पर चौदह फंदे बीने हैं ये है पंद्रवा फंदा हमारा इसके साथ एक फंदा और बीनेंगे यहाँ पर दो फंदे ले लेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिए थे दो फंदे सेम उसी तरीके से दो फंदे यहाँ पर ले लिए दो फंदों का एक कर लिया फिर इसको इधर को पलट लेंगे ये फंदों को छोड़ देंगे धागा अपनी ओर ले लिया ये निकाल दिया फिर ये पंद्रह फंदों को हम इस तरीके से बीन लेंगे फिर यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे एक फंदा ये ले लिया एक इधर वाला ले लेंगे दो का एक कर लिया फिर इधर को पलट लेंगे फिर यहाँ पर ये लाइन बिनेंगे फिर यहाँ पर दो का एक कर लेंगे एक यहाँ से ले लेंगे एक फंदा एक फंदा इसके साथ इसी तरीके से पूरे ये फंदों को हमें बंद करना है अब हमारे पास एक फंदा इधर से बचा है और एक फंदा इधर से अब इनको भी हम इसी तरीके से बंद कर लेंगे इधर का भी बंद कर लिया ये पूरी लाइन बिनेंगे लास्ट में एक फंदा यहाँ बचा है इसको भी हम इसी के साथ बंद कर देंगे इस तरीके से बन गया है अब हम पूरे फंदों को बंद करेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से लेंगे इस तरीके से पूरे फंदे हमने बंद कर लेंगे अब इसी धागे से यहाँ से हम ये फंदे उठा लेंगे सीधी साइड से उल्टी साइड को फंदे उठाएंगे इस तरीके से छः फंदे हमने ये उठा लिए हैं जो ये हमने छः रो ये बीनी थी इन्हीं में से छः फंदे हमने ये उठा लिए हैं पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया धागा आगे करेंगे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिनेंगे इस साइड से भी उल्टा इस साइड से भी उल्टा दोनों साइड से पहला फंदा बिना बिने भी निकालेंगे इस तरीके से हमने ये लंबी पट्टी बना ली है अब इसको इस तरीके से अपने पैर के हिसाब से इसमें इस तरीके से नाप के इसे बना लेंगे अब यहाँ पर हम काज बनाएंगे काज हमने अपने चैनल पर कई प्रकार के बता रखे हैं आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं एक फंदा ये निकाल लिया बिना बिने दो फंदे हो गए अब ये दो फंदों को बीच के हम बंद कर लेंगे एक दो दो फंदे बिने एक इसके ऊपर से ले लिया ये बिना के ऊपर से ले ली, ये देखिए दो फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए हैं पहला फंदा ये निकाल दिया दूसरा फंदा बिन लिया अब इसको दो फंदे हमने यहाँ पर बीच में बंद किए थे तो दो फंदे हम इसी के बनाएंगे एक दो तीन तीसरा वाला इसके साथ बंद करेंगे दो फंदों का एक कर लिया पहला फंदा ये निकाल लिया दूसरा ये बिन लिया अब यहाँ से हम दो फंदे ये उठाएंगे एक तो दो फंदे यहाँ पर बंद किए थे एक यहाँ पर हमने अभी लास्ट में यहां पर बंद किया था एक ये फंदा हो गया छ फंदे थे छह फंदे हमारे पूरे आ गए पहला निकाला दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे थे छः पूरे आ गए काज बीज में हमारा ये बन गया पहला फंदा ये निकाला अब यहाँ पे हम दो फंदों का एक करेंगे दो फंदे हैं दो का एक कर लिया फिर ये दो फंदे हैं दो का एक कर लिया दो बार कर लिया छह फंदे थे अब चार फंदे रहेंगे एक बार यहाँ पे एक फंदा यहाँ बंद कर लिया एक यहाँ पहला फंदा ये निकाल लिया यहाँ पर फिर दो फंदों का फिर एक कर लेंगे लास्ट का फंदा ये भी लिया अब तीन फंदे हैं तीन फंदों का हम एक कर लेंगे अब धागे को यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरीके से इसे अंदर की साइड कुरुसिया से या सुई से आप लोग इस तरीके से अंदर को इसे दबा सकते हैं अब ये हिस्सा हम जोड़ेंगे नीचे वाला इस हिस्से को अब इसे हम उल्टी साइड करेंगे इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा जोड़ेंगे आप लोग किसी भी मेथड से इसे जोड़ सकते हैं सीधी साइड से उल्टी साइड से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से कहीं से भी किसी भी तरीके से इसे जोड़ सकते हैं यहां पर धागा पक्का कर लेंगे इस तरीके से इसे पूरा यहां तक हम जोड़ लेंगे अभी हमने पूरा है। जोड़ लिया है तो यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई है अब हम इसको सही कैसे करेंगे बताएंगे कहीं पर कभी मिस्टेक हो जाती है तो इसको सही करने के उपाय यहाँ से हम इसमें इस तरीके से इसमें फंदे उठा लेंगे क्योंकि ये पूरा चौड़ा आ गया इसको इस तरीके से पूरी इस तरीके से गोलाई माना चाहिए था फंदे उसी तरीके से उठाएंगे जिस जैसे हम किसी भी चीज़ में उठाते हैं फंदे इस तरीके से फंदे उठा लेंगे पूरे यहाँ तक फंदे उठा लेते हैं इक्कीस फंदे हमने उठा लिए 21 ट्वेंटी वन फंदे अब एक सिलाई हम बिन लेते हैं पूरी लाइन हमने बीन ली है अब हम ये फंदा ये निकाल लिया ये दूसरा फंदा बिना पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से अब इसको गोलाई में लाने के लिए हम कर रहे हैं एक फंदा यहां से हमने बंद कर दिया है बाकी पूरी लाइन बिन लेंगे अब सेम उसी तरीके से इधर से भी करेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे एक फंदा यहाँ से बंद हो गया पूरी लाइन बिन लेंगे फिर इधर को आएंगे फिर एक फंदा यहाँ से बंद कर लेंगे एक यहाँ से इसी तरीके से इसकी गोलाई लेंगे अब हमने इस तरीके से ये फंदे घटा लिए हैं दोनों तरफ से अब पंद्रह फंदे हमारे बचे हैं अब यहां से ऊपर को हम यही वाला ऊन लगाएंगे सिंगल ऊन अभी तक हम बारह नंबर सिलाई से बीन रहे थे अब यहां से ऊपर को दस नंबर सिलाई से बिनेंगे अब ये ऊन को हम कट कर देंगे ये वाला ऊन लगाएंगे ये ऊन को भी इसी में इस तरीके से दबाते हुए जाएंगे अब हमारे पास बारह फंदे हैं अब इसे ऊपर को पट्टी सी हम बना लेंगे अब हमने ये पट्टी बना ली है ये फंदों को हम बंद कर लेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे इस तरीके इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं अब इसको हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और इधर को भी जोड़ सकते हैं आप कहीं को भी इसे जोड़ सकते हैं पट्टी हमने जोड़ ली है अब इसे इस तरीके से सॉक्स हमने पूरा बना लिया है अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें